हेलो यूट्यूब फैमिली, प्रणाम, नमस्कार, काल बरोड़ा सबन के, तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस प्रसून। तो मैं मिस्टर प्रसून आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से खूबसूरत से ब्लॉग में। तो ये रही निशा भी है यहाँ पे, और दोस्तों आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही खास। खास की वे ये निशा बताएगी, जरा बता दो सभी को कि आज हम लोग जाएंगे मनीषा भाभी के घर, जो कि मेरी नानी के घर के एकदम पास में है, और जाके वहाँ पे देने वाले हैं भाभी को सरप्राइज। क्योंकि आप सभी को पता है कि हम लोग हसनपुरा में, और हसनपुरा में ही इसका नानी घर है और यहाँ पे मनीषा का भी घर है, और एकदम पास में ही है, एकदम पास में ही है, मतलब मुश्किल से 2-3 मिनट का रास्ता है। तो आज हम लोग फ्रेश फ्रेश मैं तो हो गया हूँ, अब ये निशा तैयार हो जाए तो फिर आज हम लोग जाएंगे वहाँ पे, और फिर वहाँ से वीडियो कॉल करके देंगे मनीषा को सरप्राइज, और बहुत ही मजा आएगा आज दोस्तों। तो बस आप लोग बने, वो यहाँ पे घर पे आए थे ना, तो मेरे घर गए थे अमनौर में, जाके मुझे वीडियो कॉल करते, तो सेम चीज मैं भी अब उन लोगों के साथ करने वाली हूँ, तो बहुत मजा आएगा। हाँ, क्योंकि वो सरप्राइज दिया था मेरे घर पे जाके, यानी हम लोग के घर पे जाके सरप्राइज दिया था, आज हम लोग भी सरप्राइज देने वाले हैं उन लोगों को। हाँ। तो बने रहे दोस्तों, बहुत ही मजा आने वाला है ब्लॉग में। तो अभी देखिए मेरी प्यारी सी साली साहिबा उठ गई है, और कल ये मेरे साथ बहुत मस्ती कर रही थी दोनों बहन मिलके, हमको पूरी रात सोने नहीं दिया है लोग, क्योंकि इन दोनों के साइड में मतलब देखिए, तो मुझे यहाँ पर सुलाया था इस कॉर्नर पे, ये सारा ठंडा ठंडा बॉडी में टच कर रहा था, पला पला लग रहा था हमको बहुत ज्यादा, अभी देखे कैसे खिलखिला रही था। आज इसको हम छोड़ेंगे नहीं, ये क्या किया ना बता नहीं सकते। प्लान बना कि मनीषा भाभी के घर जाना है, क्योंकि ओम ने बताया कि पास में उनका घर है, तो उस कारण हम लोग अभी उनके घर जा रहे हैं। बाकी अभी मिठाई भी ले लेते हैं, क्योंकि ये मिठाई ले रहे हैं, और हसनपुरा का ये शायद फेमस स्वीट शॉप है, वहीं से हम लोग मिठाई भी ले लिए, चलते हैं अब उनके घर के। तो दोस्तों ये थाना चौक है, और जस्ट इसके अपोजिट साइड में ही है मनीषा का घर, तो अब आ ही गए हम लोग, चलते हैं देखते हैं वाले मनीषा के घर। हम लोग भाभी के घर, और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ, पता नहीं। आप भाभी को तो पता है, बाकी इन लोगों को शायद नहीं पता है, पता है निशा को पता है आई थिंक। हाँ, निशा को पता है, सबको पता है। तो चलिए चलते हैं घर के अंदर। दोस्तों निशा आई है हमें लेने के लिए, और अब चलते हैं घर के अंदर। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं मनीषा के घर पे, और अभी मनीषा की मम्मी आई थी, हम लोग मिले उनसे और बैठे हुए हैं, और अभी करेंगे मनीषा को वीडियो कॉल यहाँ से, उसको दिखाएंगे। आजा निशा बैठो, और ये निशा है, ये तो आप लोग सभी जानते ही होंगे। हाँ। मजा आएगा अभी अभी उसको वीडियो कॉल करते हैं, करो जरा वीडियो कॉल। नौटंकी इनका देखिए, सो रहा है भैया, देखिए। हे देखो हम लोग कहाँ है, तो नहीं देख लो तुम भी, देखिए देखिए। मनीषा लेकर आई है, और मनीषा ये देखो मेरा फेवरेट काजू कतली। हमारी कहानी बहुत सारी, मम्मी जी देख लो देख लो, याद है मुझे वीडियो कॉल करके दिखा रहे थे तुम लोग, देखो मैं हम लोग के घर पे गए थे, मुझे ऐसे वीडियो कॉल करके दिखा। यहाँ मुरारी जी भी आ चुके हैं, और ये मनीषा के भाई हैं, तो अब हम लोग निकलेंगे भी, क्योंकि हमें घर भी निकलना है आज, तो लेट हो चुकी है। यहाँ पे निशा बातचीत कर रही है, ठीक है मम्मी जी, तब हम लोग आज्ञा दीजिए, अब निकले, फिर कभी आएंगे तो जरूर आएंगे। तो बहुत ही अच्छा लगा मिलके, एकदम घर जैसी फीलिंग आ रही थी। अभी मनीषा के घर से पहुंचे हैं घर पे, क्योंकि अब हमें निकलना भी है यहाँ से, तो निशा भी अब अपना पैकिंग कर रही है यहाँ पे, और अब हम लोग निकलेंगे घर के लिए, सामान वामान सब पैक कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली हम लोग एक ही दिन के लिए आए थे और 2 दिन रुक गए यहाँ पे, और बहुत सारा काम भी है पेंडिंग में, तो निकल रहे हैं, और ये अपना जल्दी जल्दी से सब सामान रख रही है। बहुत ही मज़ा आया हमें आज, बहुत सारी मस्ती हुई है, और ये देखिए हमारी डियर मामी जी हैं, बहुत ही मस्त मामी, एकदम कहते हैं तो हम सुपर फास्ट मामी, सुपर फास्ट मामी। और यहाँ पर हमारी साली जी रोटी पका रही हैं मेरे लिए, मैं खाऊंगा अभी। अरे वो देखिए ये देख रही है कैसे बना, अभी की लर्निंग पीरियड में है, सीख रही है, सीख रही है कैसे कैसे रोटी पकता है। अब बेचारी चश्मा लग गया है, तब से तो नहीं अजीबे लोग हो गई, इसके मुंह से बोर इसका चश्मा है, देख लीजिए आप लोग, मुंह से बोर इसका चश्मा हो गया, इतना छोटा हो गया, देखिए इसका चश्मा, मुंह से बोर इसका चश्मा है। तो दोस्तों अब खाना खा के घर के लिए निकलेंगे, भी रेडी हो गई है, और फाइनली अब वक्त हो चुका है अलविदा कहने का। इतना हम लोगों ने इंजॉय किया है यहाँ पे, और यहाँ पे नानी भी बैठी हुई है, अब हम लोग जा रहे हैं, थोड़ी सैड है नानी, लेकिन सभी खुश हैं यहाँ पे, और ये देखिए बहुत खुश है, क्योंकि 2 दिन बाद फिर से मिलने वाली है मुझे, मौसी भी है यहाँ पे, मामी लोग है सभी,
अब चलते हैं सब कोई, हम लोग को सी अप करना है वो है। सभी दुखी है और अभी हम लोग चलते हैं घर के अंदर। बाय बाय। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं घर और काफी ज्यादा लेट हो गया, थोड़ा ट्रैफिक वगैरह था और हम लोग रुकते रुकते हैं क्योंकि यहाँ से मेरा नानी घर बहुत ही ज्यादा लगभग 70 किलोमीटर था और बाइक से ट्रेवल करना वो भी ठंड के टाइम में बहुत ही ज्यादा मतलब थोड़ा टफ था। बाकी मस्ती मस्ती करते हम लोग चले गए रुकते वक्त। घर आए तो यहाँ पे थोड़ा फिर शाम को खाना वगैरह भी डिनर वगैरह भी तैयार करना था तो मैं उसी में लग गई और बाकी मम्मी जी से तो मैं मुझे गप्पे लड़ाना बहुत ही अच्छा लगता है तो वही सब करने में बिजी हो गई। तो सोचा आप लोग से अभी जब फ्री हुई तो थोड़ा व्लॉगिंग भी कर लूँ, आप लोग को भी बता दूँ कि घर आ चुकी हूँ। तो इधर में ही है, खाना भी खा रहे हैं बाकी बैठ के पास में ही, और उधर में पापा जी मम्मी जी सबको खाना दे रखा है, मैंने सब खा रहे हैं। भाभी के घर जाके हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा, निशा से फर्स्ट टाइम मिले, भाभी से उनकी मम्मी से ही फर्स्ट टाइम मिले। बाकी ऐसे तो हम लोग डेली वीडियो कॉल पे बात वगैरह करते हैं या फिर भाभी जब बात करती है तो आंटी से बात करते थे, हम लोग आज फेस टू फेस मिले तो बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को। और पता है खास बात क्या है कि मनीषा और उसकी बहन का नाम निशा है। हाँ। और यहाँ जो निशा है और इसकी भी बहन का नाम मनीषा है, इतना कंफ्यूजन वाला ये चीज है। हाँ। दोनों बहन और यहाँ पर भी निशा की भी जो बहन है, नाम पूरा बस उल्टा है और पूरा मैच करता है। तो सभी शॉक्ड हो जाए, उसका नाम निशा है मनीषा की बहन का और इसका भी नाम निशा है। हाँ। और मनीषा का नाम मनीषा है तो जो मैं मुंटी बोलता हूँ मेरी सारी, उसका भी नाम मनीषा है। बड़ा कंफ्यूजिंग है। मम्मी भी आ गई, मम्मी ने पता क्या बैठिया मम्मी पता क्या हुआ, ये देखिए आलू आलू हम और मम्मी इधर में बैठ के आलू बोरसी में पका रहे थे और मम्मी ने ऐसे पका के दिया, मुझे तो आता नहीं है तो मैंने बोला मम्मी थोड़ा पका दीजिए, मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है आलू खाने में, पका हुआ आलू टेस्टी टेस्टी। अब इसको अब देखिये मम्मी कैसे खा रही है। तो दोस्तों खाना वाना खा लिया हूँ और बहुत ज़्यादा थक भी गया क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कूटी चलाना पड़ा और वहाँ से आया अप्रॉक्सीमेट शाम हो गया था। तो अब सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा सो जाऊँ। बट गाइज सच में आज जो हमने सरप्राइज दिया ना इतना ज़बरदस्त था। और निशा का नानी घर मतलब मैं ये दूसरी बार गया हूँ वहाँ पे, मुझे इतना अच्छा लगता है, मुझे इतना प्यार और रिस्पेक्ट हर वो चीज़ मिलता है कि मैं आप लोग को बता नहीं सकता। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और फिर शादी है मई में तो मैं बिल्कुल वहाँ तो भाई एक वीक पहले से जाऊँगा और मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ, सभी मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो जहाँ आप लोगों का प्यार मिलता है आप सभी को पता है कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिर जल्दी ही जाऊँगा मैं वहाँ पे। तब तक गाइज आप अपने चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्लीज़ अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।